जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी, आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे आप सबके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करने का चांस मिला है। मैं आप सबको अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाती हूँ क्योंकि गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत मेहर है। मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि कैसे हमारा गुरु जी के साथ स्टार्ट हुआ जाना। वहाँ 2002 में मेरे हस्बैंड को किसी ने गुरु जी के बारे में बताया और उन्होंने सिर्फ दो ही लाइनें बोली कि ऐसे गुरु जी वहाँ रहते हैं और हम वहाँ जाकर बहुत खुश हैं। हमारे पास सिर्फ यही दो इंट्रोडक्शन गुरु जी की थी, इसके अलावा हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हम लोग नेक्स्ट डे एम्पायर स्टेट पहुँच गए। थर्सडे को हम एम्पायर स्टेट गए, गुरु जी के दर्शन किए, लगा ही नहीं कि इस दुनिया की वो जगह है। कैसे लगता था कि कहीं हम स्वर्ग में आ गए हैं। गुरु जी का ऑरा, गुरु जी का रूप, गुरु जी की डिवाइन फ्रेग्रेंस, वो सब हमको इतना अच्छा लगा कि हमने मतलब हम खो गए उसी चीज़ में। और थर्सडे हम गए और फिर फ्राइडे भी हम सेम गए, तब गुरु जी ने मेरे अंकल को पास बुलाया और पूछा कि की नाम है तेरा, कितों आए, बस ये दो बात पूछी, मेरे से कोई बात नहीं की। और सैटरडे हम फिर से गए तो जैसे दो दिन आगे आगे हमें बिठाया गया था तो मुझे लगा हमें यहीं बैठना है, तो सैटरडे भी मैं गुरु जी के पास आगे आगे बैठी तो गुरु जी ने एकदम मुझे बड़ी जोर से सबके बीच में बोला कि जाओ पीछे जाके बैठो। तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और मुझे बड़ा ऐसे बुरा सा लगा कि इतनी जगह है और गुरु जी मुझे पीछे भेज रहे हैं। और पीछे जाके मैं थोड़ी परेशान सी हुई और मुझे रोना भी आता रहा। तो कुछ देर के बाद गुरु जी ने अपने हाथ से हमें प्रसाद दिया। उन दिनों गुरु जी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे जो सारी संगत बाहर जाके खाती थी मंदिर की और फिर हाथ धो के वापस आती थी। तो हम लोग प्रसाद खा रहे थे तो किसी पुरानी आंटी ने मुझे बोला संगत की कि आप क्यों परेशान हो रहे हो और आप क्यों रो रहे हो, आज तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिल गई है। गुरु जी की जो डांट होती है उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं, आज आपका कोई बहुत अच्छा कुछ होगा। और जब हम गुरु जी के पास गए थे तो उन दिनों हम बहुत परेशान चल रहे थे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत सालों से बीमार थी, बेड रिडन थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स में चल रही थी हमारी लाइफ। तो डॉक्टर्स कहते थे कि अब आप इनकी मुक्ति के लिए उपाय कीजिए, अब इनकी लाइफ नहीं है और बस सेवा कीजिए। और ऐसे करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया था और ना हमने अपनी मदर इन लॉ का गुरु जी से कुछ बताया ना उन्होंने पूछा। और सैटरडे को जब हम घर आए तो मेरी मदर इन लॉ गुरु जी का नाम लेते हुए हमने ओम नमः शिवाय का पाठ किया और उसी रात गुरु जी ने उनको मुक्ति दे दी। कहते हैं ना कि शंकर भगवान जो है वो भक्ति और मुक्ति के दाता है, तो गुरु जी ने वो दिखा दिया कि वो शंकर भगवान ही हैं और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को मुक्ति दे दी। उसके बाद से हमारा विश्वास धीरे 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 बढ़ता गया, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बढ़ती गई, उनकी मेहर हमारे ऊपर बढ़ती गई और हम लोग चारों दिन गुरु जी के पास जाना शुरू हो गए। थोड़े दिन के बाद 4-6 महीने के बाद किसी आंटी ने मुझे बोला कि गुरु जी ने उनको बोला है कि मेरे को वो लंगर सेवा देंगे। तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि हम लोग बहुत नए थे और उन दिनों नई संगत के लिए लंगर सेवा करना एक सपने से भी बड़ी बात थी क्योंकि बैक साइड में तो आप किचन के झांक भी नहीं सकते थे, लंगर बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने साथ में बोला कि भाई गुरु जी ने बोला अभी नहीं, जब जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। तो वो जो खुशी एकदम मुझे मिली थी वो थोड़ी धीरे धीरे कम होगी, मैं भूल गई। 4-6 महीने बीत गए, साल बीत गया कि जब टाइम आएगा गुरुजी सेवा देंगे। इन दिनों के बीच में गुरुजी ने फिर चोला छोड़ दिया और गुरुजी की समाधि वहाँ बन गई। और जब मेरी छोटी डॉटर 12th में गई तब मुझे वहाँ समाधि सेवा मिली। एवरी सैटरडे हम लोग जाते थे और समाधि सेवा करते थे, पूरा साल हमने वहाँ समाधि सेवा करी। जिस सैटरडे हम सेवा के लिए गए, मंडे या ट्यूजडे मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था। और उस सैटरडे जब सेवा के बाद हम बैक साइड पे उधर गए तो वहाँ जो उन दिनों आंटी थी जो लंगर को सब देखती थी, उन्होंने बुलाया और मुझे बोला कि आंटी ये लो हाथ धो, और दो लड्डू प्रसाद मुझे दिए और बोला कि ये लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो और आज से आप गुरुजी की लंगर सेवा में आ जाओ और एवरी सैटरडे आपने आना है। और हमने फिर सैटरडे जाना शुरू कर दिया, बहुत सेवा में आनंद आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। हम सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते कुछ समय बाद एक दिन सैटरडे को गुरुजी के वहाँ लंगर में आपको पता है चटनी प्रसाद बनता है जो कि बहुत स्पाइसी होता है, तो चटनी प्रसाद बना और मैंने उसको चटनी को बना के फ्रिज में रखा जैसे, तो मेरी राइट हैंड की जो राइट हैंड और पूरी मेरी जो बाजू है वो पूरी लाल होगी, उसमें एलर्जी होगी मिर्ची से और बहुत जलना शुरू हो गया। शाम होते होते वो पूरी बाजू जलने शुरू होगी,
किसी ने बोला कच्चा दूध लगाओ, किसी ने बोला बर्फ लगाओ, किसी ने वहां से टूथपेस्ट लाके लगा दी, पर मेरी वो जलन कम नहीं हो रही थी। और रात तक फिर लोगों ने मुझे बोला कि आप घर ही चले जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। मैंने सोचा कि अब पूरा दिन मंदिर रहे तो लंगर खाए बिना तो मैं घर जाऊंगी नहीं। मैंने वहां पास ही केमिस्ट से एक एंटी एलर्जी टैबलेट खा ली और एक ट्यूब लगा ली। उससे मुझे काफी अच्छा लगा और मैं वापस मंदिर आई और हमने लंगर खाया और हम लोग रात को घर आ गए। जब नेक्स्ट सुबह उठी तो मेरी बाजू बिल्कुल ठीक थी, उसमें कुछ भी जलन नहीं था। तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि सैटरडे सुबह जब अभी हम घर में थे तो हमारे बेड के सामने गुरुजी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, और वो आधी जो स्वरूप था गुरुजी का आधा राइट साइड पूरा लाल हो गया था। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि आधी फोटो तो ठीक है और आधी कैसे लाल होगी। और धीरे धीरे उन्होंने दोबारा देखा, वो लाली थोड़ी कम हुई, और जब तीसरी बार देखा तो गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल नॉर्मल हो गया जैसे कि था। तो अंकल मुझे ये बताना चाहते थे लेकिन सैटरडे उनको ऑफिस जाना था, मेरे को सेवा पे जाना था, तो टाइम नहीं था किसी बात का, तो अंकल ने मुझे बताया नहीं। और फिर नेक्स्ट डे संडे को अंकल ने बताया कि देख तूने आज मंदिर में जलना था, तेरे ऊपर बहुत कष्ट आने थे, जो गुरुजी ने अपने ऊपर पहले ही ले लिए, उनकी फोटो सारी लाल होगी और लाली उन्होंने ले ली। तो मेरी जो जलन थी वो तो आर्टिफिशियल थी, ना मेरी स्किन खराब हुई ना मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, और गुरुजी ने मेरी मतलब वो जैसे कहते हैं खेल खेल में वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो गुरुजी कोई भी कष्ट कई बार आने से पहले ही काट देते थे और कुछ कष्टों को वो हमारे कर्मों के हिसाब से कटवाते थे हमसे, लेकिन वो तब उन दिनों भी वो हमारे साथ ही रहते थे जिन दिनों हम वो कर्म काट रहे होते थे। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही थी और शादी की डेट फिक्स हो रही थी, 7 दिसंबर डेट फिक्स हुई, और मुझे लगा कि सत्संग मैं को करना है शादी के लिए तो मैं बहुत पहले आराम से कर लूँ ताकि सत्संग बहुत अच्छे से हो जाए, कि शादी की भीड़ भाड़ में कुछ गड़बड़ ना हो। तो हमने 2 अक्टूबर का सत्संग सोचा कि हम करेंगे। और थोड़े दिन पहले सत्संग से अभी हम जगह देख रहे थे तो मेरी छोटी डॉटर को गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि बहुत बड़ा सत्संग कराना है हरी घास के ऊपर। तो अब हम सोचते हैं दिल्ली में हरी घास सिर्फ फार्म हाउसेज में होती है और कहीं नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी टेंट वेंट लगते हैं वहाँ सब सफाई नहीं होती, या बैंकेट हॉल होते हैं तो वो अंदर होते हैं। और हम सोचे फार्म हाउस कहाँ से ढूंढे, पर गुरुजी ने वो सब प्लान करके रखा हुआ था जो हमें नहीं पता होता और उनको पता होता है। किसी संगत के साथ हमारा कुछ बात हुई, वो हमें नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे, पर फोन पे ही बात हुई और उन्होंने अपना फार्म हाउस में बोला कि आप लोग सत्संग कर लो। और वो फार्म हाउस गुरुजी के मंदिर के एकदम पास था और हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला आप एक दिन आके फार्म हाउस देख लो, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन है, 2-3 लॉन है, तो आपको कौन सा चाहिए आप आके सब देख लो। तो एक दिन हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग वो फार्म हाउस देखने गए। तो अंकल उस केयर टेकर के साथ बात कर रहे थे, मैं और मेरी बड़ी डॉक्टर ऐसे लॉन में घूम रहे थे कि बड़े खुश हो रहे थे कि गुरुजी ने कितनी अच्छी जगह हमें दी है सत्संग करने के लिए, जो हम सोच भी नहीं सकते। और मेरी छोटी डॉक्टर वहीं आंखें बंद करके ऐसे गुरुजी को थैंक्स कर रही थी, उनका ध्यान कर रही थी। और दिन के टाइम था और गुरुजी उसके दर्शन में आए और गुरुजी ने बोला कि यही तो जगह है जिथे मैं सत्संग कराना चाहना वहाँ, और उसको बताया कि इस साइड दरबार लगाना है, यहाँ पर लंगर का करना है, यहाँ पर शू स्टैंड बनेगा, यहाँ पर कॉफी स्टैंड बनेगा और यहाँ पर संगत बनेगी। पूरी जो सेटिंग थी गुरुजी ने उसको सत्संग की बता दी। मेरी बेटी ने वो सारी बातें मुझे बताई, पर हमने अपने अंकल को अभी नहीं बताई कि अभी थोड़े दिन पड़े हैं तो हम 1-2 दिन पहले बात करके उनको सब बता देंगे। जिस दिन सत्संग था, मंडे का दिन था, 2 अक्टूबर छुट्टी थी और अंकल सुबह ही चले गए, वहाँ जाके सब सेट कराना था और हमको था कि हम 1-2 घंटे के बाद आएंगे। और मैं ये सब गुरु अंकल को बताना भूल गई कि गुरुजी ने कैसी कैसी सेटिंग बताई थी। और जब हम थोड़ी 2-3 घंटे के बाद मैं और मेरे बच्चे हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम देख के हैरान हो गए कि ऑलरेडी सारी सेटिंग वैसे ही हुई हुई थी जैसे कि गुरुजी ने हमें बताई थी। पूरा सब कुछ वैसे ही सेट हो गया था जहाँ जहाँ गुरुजी ने कहा था। और गुरुजी ने हमें कहा था बड़ा सत्संग कराना है, तो हम सोच रहे थे कि जगह बड़ी है तो ये ठीक है, पर गुरुजी का बड़ा सत्संग का मतलब संगत भी ज्यादा का था जो हमें शायद नहीं पता था। हमने 300-400 बंदों को इनवाइट किया था सत्संग के लिए और हमारे उसने बोला कि लंगर बनाने वाले ने कि मैं 500 लोगों का लंगर तैयार कर दूंगा,
तो आप चिंता मत करो, कम नहीं होगा। हम भी बड़े खुश थे कि 300-400 को बुलाया, 500 का लंगर है तो आराम से सब हो जाएगा। उस दिन मंडे था, 2 अक्टूबर की नेशनल हॉलीडे था इंडिया में, तो जो भी संगत मंदिर आती थी उसको पता चलता था कि फार्म हाउस पे साथ ही गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो वो लोग आ जाते थे। और गुरुजी की संगत तो हमेशा ही सिर माथे पे रहती है, तो सब कुछ हो गया। तो इतना ज्यादा रश था, इतनी ज्यादा संगत आई, तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने हमें बोला कि आप लंगर की तरफ आओगे नहीं, आप जाके दरबार में बैठ जाओ, हम अपने आप करेंगे। सारे सेवादारों ने हमें नहीं पता कैसे किया कैसे किया, और बाद में उन्होंने बताया कि 1000 से भी ज्यादा संगत ने वो लंगर किया जो कि हमने 400-500 लोगों का बनवाया था। ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। उन्होंने इतने लोगों को भेजना था सत्संग में, हमें ब्लेसिंग की जरूरत थी, गुरुजी की ब्लेसिंग की, संगत की ब्लेसिंग की, तो वो सारी प्लानिंग गुरुजी खुद करते हैं। हमें लगता है हमने किया, हम कुछ नहीं करने वाले होते, गुरुजी हर काम अपने आप कराते हैं। फिर 7 दिसंबर को जब बेटी की शादी का दिन आने वाला था, तो एक मेरी सैटरडे की हमारी सेवादार आंटी है, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि इन्हों को कह 7 तारीख नु आके सवेरे मंदिर मत्था टेकन। तो आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी का मैसेज है, आपको सुबह 7 तारीख को मंदिर जाना है और माथा टेकना है। तो मैंने सोचा तो कैसे पॉसिबल होगा, हम कहाँ रहते हैं, मंदिर दूर है, शादी कहीं और जाके करनी है, और रात को कॉकटेल थी तो 2:30-3 बजे तो हम घर ही आएंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं 2-3 दिन पहले फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हम जाके माथा टेक के आएंगे। तो उसने कहा देखो आपकी मर्जी है, मेरे को जो गुरुजी ने कहा मैंने आपको कह दिया। और उसको फिर से गुरुजी ने बोला कि उन्होंने कहा 7 तारीख ही आना है, और उसको स्काई में बादलों के साथ 7 दिसंबर लिखा हुआ दिखाया गुरुजी ने। और आंटी का फिर से फोन आया कि आपको हर हालत में 7 तारीख को ही सुबह जाना है। तो मुझे समझ आ गई कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है गुरुजी की ब्लेसिंग की, जो हमको 7 तारीख को ही चाहिए। तो हम लोग सुबह सुबह मंदिर गए, हमने माथा टेका, मैं, मेरा अंकल और मेरी बड़ी बेटी जिसकी शादी थी। और एकदम अंधेरा था, दिसंबर में इतनी ठंड और अंधेरा था, और कोई वहाँ था नहीं, पता नहीं कहाँ से कोई एक अंकल साइकिल पे जा रहे हैं, ऐसा लगा कि दूध के डोल रखे हुए उन्होंने, जैसे कोई दूध देने जा रहा होता है। और वो साइकिल पास से निकल गई, तो मैंने इतना नोट भी नहीं किया कि कौन होंगे ये। और बड़ी जोर से उनके पास से शब्द की आवाज़ आई, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। तो बाद में मैं सोचती रही कि उन दिनों तो किसी के पास इतना कोई पेन ड्राइव या फोन या कुछ नहीं होता था, तो साइकिल पे शब्द कैसे उन्होंने चलाए होंगे। फिर लगा कि वो गुरुजी थे जो कि हमें ब्लेस करके चले गए। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत संगत आई, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हमें। उसके बाद मेरी बेटी 1-2 साल इंडिया में रही, उसके बाद उनका USA का प्रोजेक्ट आ गया उनके हस्बैंड का, वो लोग शिकागो शिफ्ट हो गए। और मेरे को गुरुजी ने थोड़े दिन पहले, अभी वो लोग नहीं गए थे, USA नहीं गए थे अभी, तो उसकी शादी भी शायद नहीं हुई थी, तो मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने एक एनवेलप दिया था, और उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था ट्रिप टू USA। और उसके अंदर मैं ड्रीम में उसको खोल रही, तो उसके अंदर एक एरोप्लेन का टिकट था, और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि वाह गुरुजी मुझे USA भेजेंगे, कब भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आज भेजेंगे। मैं करते करते वो काफ़ी टाइम निकल गया इस बात को, और मैं USA गई नहीं, पर मुझे पता था कि गुरुजी ने अरेंज किया हुआ मेरे लिए, कुछ प्लान किया, तो वो होगा तो ज़रूर। इतने साल के बाद जब मेरी बेटी USA गई, तब उसने मुझे बोला कि मम्मा आप आ जाओ और एक बार USA घूम के जाओ। और मेरे को जो गुरुजी ने टिकट दिया था, तो मुझे बहुत सत्संग दिखाए थे कि मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किए हैं, जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई थी, जो जो लोग दिखाए थे। और जब मैं शिकागो हुई, तो वो सब कुछ हुआ, वो सारे सत्संग हुए, वो सारी बिल्डिंग्स दिखी, वो जो आंटियाँ दिखी, मतलब कहाँ से कैसे अरेंज होता गया और वो सब होता गया। तो मेरे साथ तो ऐसा होता कि गुरुजी हर चीज़ पहले से प्लान करके रखते हैं, और जब टाइम आता है तब गुरुजी हमारे सामने वो चीज़ ला के रखते हैं। गुरुजी की मेहर बनी रही, सब हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, बीच में प्रॉब्लम्स भी आई, और गुरुजी ने इतनी मेहर की कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे कटवाया उन्होंने। हर समय वो उन्होंने दिखाया कि मैं थोड़े नाल हाँ, तुम चिंता ना करो, मैं थोड़ा का टाइम कटवा दाँगा, तुम्हें कुछ नहीं हो जाऊँगा। अंकल की तबीयत खराब हुई, बीमार हुए, और गुरुजी की मेहर से वो ठीक हो गए, और अभी पूरे ठीक नहीं थे, थोड़े वीक थे, ठीक हो चुके थे। तब गुरुजी ने मेरी छोटी डॉटर को बोला कि अपने प्यो नु पूछ, हुन सेवा ते कदों आना है।
तो उसने बोला कि पापा गुरुजी आपको बुला रहे हैं मंदिर, आपको सेवा करने जाना है। तो अंकल के मैं तो चल नहीं सक रहा अभी, इतना वीक हूँ, खड़ा नहीं हो पाता, मैं सेवा कैसे करूंगा। तो हमने कहा कि आपको बुलाया तो आपको ठीक भी करेंगे। और गुरु जी की मेहर से अंकल ठीक हुए, वापिस अपने मंदिर गए, अपनी सेवा उन्होंने ज्वाइन की, सेवा पे आ गए। तो गुरु जी का जितना शुक्राना करें, जितने उनका हम थैंक्स करें, हमारी लाइफ कम है, रोम रोम से उनका शुक्राना है, हर पल उनका शुक्राना है। गुरु जी अपनी मेहर हम पे हमेशा बनाई रखना और ऐसे ही बनाई रखना। जय गुरु जी। एक बार फिर तहे दिल से शुक्राना गुरु जी का और उनकी प्यारी संगत का। वी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वर्चुअल सत्संग फ्रॉम गुरु जी का आश्रम सॉमरसेट टेम्पल न्यू जर्सी। द फीलिंग ऑफ स्टेइंग कनेक्टेड हैज नेवर बीन स्ट्रॉन्गर देन दिस। सो प्लीज विजिट गुरु जी का आश्रम न्यू जर्सी .com टू गेट एडेड टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फॉर एंजॉइंग हिज एंडलेस सत्संग्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। गुरुजी अपनी कृपा की बारिश इस सारे ब्रह्मांड पर बरकरार रखें और गुरुजी का नाम का प्रकाश घर घर में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।